बलराम भाई नमस्कार। बलराम भाई, मैं संतोष बोल रहा हूँ। बलराम भाई, मेरी थोड़े समय पहले आपसे बात हुई थी। इसमें मैंने एनपीके का और सांप का स्प्रे किया था। बलराम भाई, देखिए आप, इसमें पत्तों में थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉट टाइप का आया है और बाकी पेड़ तो सुरक्षित है। ये हमारे पेड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बलराम भाई, मैं हल्का हल्का कल्टीवेशन करा रहा हूँ। जैसे ना, ये हल्की हल्की निराई गुड़ाई ना, जैसे इसमें जो घास टाइप का है उसके लिए ये हल्का हल्का मैं ये कल्टीवेशन करा दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ये भी इसके बारे में बता दूँ। ये देखिए, ये प्लॉट है बलराम भाई अपना केले का। इसमें बलराम भाई, कुछ पेड़ों पे ये इस तरीके की प्रॉब्लम आई है, जैसे इस तरीके का यहाँ पर स्पॉट टाइप का ये आया है। मैंने आपको पूरा जूम करके दिखा दिया है। इसमें ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा जल भराव अधिक होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा केला डाउन में है, बाकी केला लगभग ठीक है। ये बलराम भाई, इसमें ये नीचे जो है, संतोष भाई राम राम। भैया, जो मेन सेंटर पोंगे में जो फंगस है ना, आपने जो भी आपको जिसने सलाह दी थी वो स्प्रे आपने किया तो जरूर, लेकिन वो क्या हुआ, डबरी बनी वहां पर, पोंगा भराओ। बहुत सा मार्केट में चल रहा है पोंगे भरने का प्रचलन, नया कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नई ट्रिक बताओ तो किसान फॉलो करे तो माल बिकेगा, वो ठीक है उनकी जगह पर, लेकिन हम किसानों के साथ दिक्कत होती है। मैंने एक वीडियो पहले डाल रखा है मानसिंह भाई का, एमपी का, पोंगे भरने से पत्ते खराब होते हैं। हाँ, नॉर्मल अगर है फर्टिगेशन तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चले गया है वहाँ पर पोंगे पे, रात भर दिन भर रहा वो सड़ गल करके पत्ते को ख़त्म कर देगा। इसमें आप सुक्रोज और पोटेशियम उमेट का स्प्रे करा दीजिए, एनर्जी आएगी, फट से नया पोंगा आएगा। और नीचे ड्रेंचिंग में फंगीसाइड चाहिए, ज़्यादा स्प्रे कुछ मत करो फंगस वंगस के लिए, पौधा सिस्टमेटिक हो गया तो ठीक है। अभी आपका पौधा ऐसा नहीं है कि स्प्रे में फफूंदी नाशक देना है। दूसरा, आपने बताया था कुछ निराई गुड़ाई हल्की हल्की कर रहे हो, मित्र हल्की हल्की या भारी भारी होता नहीं है, निराई गुड़ाई होगी जड़ टूटेगी। इस समय आपके पौधे को कुछ मत करो, ठंडी है, पौधा रुकेगा जितनी जड़ें टूटेगी। ये थोड़ा वो जो खरपतवार है ना नीचे नीचे, इससे केले को कुछ नहीं होगा, नीचे नीचे सर्द हवा नहीं चलेगी, गर्माहट रखेगा, रहने दो जैसा है वैसा ही रहने दो, मत छेड़ो जड़े, मत तोड़ो, ठीक है भाई। और ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, वो पत्ता थोड़ा खराब होगा, इसमें आप ज्यादा डैमेज अगर लगे तो पोटेशियम उमेट और सुक्रोज का स्प्रे करा देना। और कोई भी फंगीसाइड या 1919 का पोंगा भराई नहीं करते हैं, फफूंदनाशक तो चल सकता है, खाद का किसी का पोंगा भराई कभी नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो हो गया लेकिन उतना नुकसान नहीं है, जड़ तोड़ने से निंदई गुड़ाई नुकसान बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी, पौधा रुकेगा। और पानी ऑड इवन करके दो, फैला के मत दो, अल्टरनेट पानी दो, एक पानी एक खाली, ठीक है भाई।